बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक थाई सीरीज अगली डकलिंग्स डोंट। स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की मेनाम काफी साय और एक्सट्रीमली इनसिक्योर होती हैं क्योंकि वो अपने लुक को लेके ये मान बैठी हैं कि वो बहुत ही अगली है, जो अपने सर पे हमेशा कार्डबोर्ड का बॉक्स पहन के रखती हैं ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके। मेनाम अपने लुक को लेके इतनी इनसिक्योर है कि पिछले 3 सालों में कभी भी उसने मिरर में नहीं देखा है। मेनाम अपना ज्यादातर टाइम इंटरनेट पे बिताती है और अपने ब्लॉग में बताती है कि उसने ये बॉक्स पहनना क्यों शुरू किया। बचपन में मेनाम ने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज किया था, लेकिन ये लड़का मेनाम की फीलिंग को नहीं समझ पाया और पीयर प्रेशर की वजह से उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके कहता है कि तुम जैसी बदसूरत लड़की का प्रपोजल मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और तुम तो इतनी अगली हो कि तुम्हें तो अपने सर पे एक बॉक्स पहनना चाहिए। और वहाँ पर खड़े क्लास के दूसरे बच्चे भी उसको अगली अगली कह के बुलाने लगते हैं। ये इवेंट मेनाम के लिए इतना ट्रॉमेटिक था कि वो 1 साल तक स्कूल नहीं गई, उसने मिरर देखना बंद कर दिया और वो डिप्रेशन में चली गई। कुछ महीनों बाद में मेनाम अपने घर के बाहर पेड़ पे लटके बलून्स को उतार रही होती हैं, तो वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसको देखकर मेनाम वापस इनसिक्योर हो जाती हैं और अपना चेहरा छुपाने लगती हैं और वहीं डस्टबिन में पड़े बैग को अपने सर पे पहन लेती हैं। मेनाम को बैग पहनने के बाद में रियलाइज हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस बैग के अंदर बढ़ जाता है। फिर उसने बैग से हटा के एक कार्डबोर्ड बॉक्स को डिजाइन किया। वो अपने घर पे अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर को भी मौका नहीं देती कि वो उसका चेहरा देख सके। मेनाम अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करने में बिताती क्योंकि यहाँ पर सामने वाले को अपना फेस दिखाना जरूरी नहीं होता था, तो मेनाम के लिए ये फेवरेट पास टाइम था। कुछ दिनों के बाद में मेनाम का फादर एक डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बेटी के बॉक्स पहनने के बारे में बताता है, तो डॉक्टर कहती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसे जापान में हिकिकोमोरी कहते हैं और ये टिपिकली टीनेजर्स में पाई जाती है जो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेटेड रखते हैं। डॉक्टर एडवाइस देती है कि तुम मेनाम को स्कूल भेजना शुरू कर दो, नहीं तो वो धीरे धीरे तुम लोगों से भी बात करना छोड़ देगी। डॉक्टर की एडवाइस पर मेनाम का फादर डिनर टेबल पर मेनाम को वापस से अपने ब्रदर के साथ स्कूल जाने की बात करता है। मेनाम स्कूल जाने के लिए क्लियरली मना कर देती है और वो कहती है कि मैं होम स्कूलिंग में अच्छा तो कर रही हूँ, मुझे फिजिकली स्कूल में जाने की क्या जरूरत। लेकिन मेनाम का फादर कहता है कि तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा, तुम चाहो तो अपने सर पे ये बॉक्स पहन के भी जा सकती हो। इस बात पे मेनाम अपने फादर को कहती है आई हेट यू और अपने कमरे में जाके बहुत रोती है क्योंकि उसको पता था कि बॉक्स पहन के अगर वो स्कूल जाएगी तो सब लोग उसको बुली करेंगे। लेकिन वो बॉक्स पहन के स्कूल जाएगी और बुली भी हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप को अगली कहलाना पसंद नहीं करेगी, इसलिए वो बॉक्स नहीं उतारेगी। अपनी सिस्टर को चीयर अप करने के लिए मेनाम का भाई उसके लिए एक नया बॉक्स लेके आया होता है। वो कहता है कि कल स्कूल जाना है, तुम्हारे लिए नया बॉक्स डिजाइन करते हैं। तो मेनाम अपना बॉक्स सर से निकालती है तो उसका भाई देखता है कि मेनाम बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो उसको बताता है कि तुम्हें बॉक्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन के ट्रॉमा की वजह से उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो बहुत अगली है और उसको लोग अगली कहेंगे, इसलिए वो बॉक्स तो पहनेगी। अगले दिन मेनाम के फादर दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। मेनाम ने सर पर बॉक्स पहन रखा होता है। स्कूल में अब बॉक्स पहनी हुई लड़की को देख के सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और विस्पर सुनकर मेनाम को बॉक्स के अंदर बहुत बुरा लगता है। उसको अंदर ही अंदर फील होता है कि लोग उसको बुली कर रहे हैं और उसको बचपन की वही बातें याद आती हैं जब सारे लड़के मिलके उसको बुली कर रहे थे तो उसको चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि एक लड़का उसको संभाल लेता है। ये लड़का मिंटन अपने आप को मेनाम से इंट्रोड्यूस करता है। मिंटन मेनाम से उसका नाम पूछता है लेकिन मेनाम नर्वस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, तो वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। मेनाम उन लड़कों से सॉरी बोलती है और जाने लगती है, लेकिन जीरो उसको उसका बॉक्स उतारने के लिए कहता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर इसने अपने फेस को छुपा क्यों रखा है। मेनाम बॉक्स नहीं उतारती है तो ये लड़के मेनाम को घेर कर इसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन मिंटन आके यहाँ से मेनाम को बचा देता है। जीरो और मिंटन अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। मिंटन मेनाम का हाथ पकड़कर उसको क्लासरूम में ले जाता है जहाँ पर टीचर उसको अपने आप को क्लासरूम को इंट्रोड्यूस करने को कहती है, लेकिन मेनाम यहाँ पे बहुत नर्वस होती है। टीचर क्लास के सभी बच्चों को बताती है कि मेनाम एक कंडीशन से गुजर रही है, इसलिए सभी बच्चे उसके साथ काफी सेंसिटिव रहेंगे। लेकिन क्लास के टिपिकल टीनेजर्स मेनाम को बुली करते हैं और बॉक्स हटाने के लिए बोलते हैं। मिंटन भी इसी क्लासरूम में बैठा होता है लेकिन वो गुस्सा करने के अलावा यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है। मेनाम चुपचाप क्लास की सबसे पिछली सीट पे जाके बैठ जाती है। लंच ब्रेक में मेनाम अपने ब्रदर को ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, तो वो अकेली ही लंच करने लग जाती है। तो एक सनकी लड़का आता है और उसका बॉक्स
उसके सर से हटाने के लिए उसको फोर्स करता है। लंच ब्रेक में बैठे ज्यादातर बच्चे उसकी हेल्प करने की बजाय मीनाम पे हंस रहे थे और उसको बुली कर रहे थे। परेशान होकर मीनाम वहाँ से अपना खाना खत्म किए बिना ही चली जाती है। मीनाम हताश और परेशान होकर प्लेग्राउंड में जाके बैठ जाती है, जहाँ पर मिंटन आता है। मिंटन अपना सैंडविच मीनाम के साथ शेयर करता है क्योंकि उसने लंच फिनिश नहीं किया था। तो मीनाम कहती है कि वो स्कूल नहीं आना चाहती, तो मिंटन उसको कहता है कि आज से वो उसका फ्रेंड है और कम से कम उसके लिए तो मीनाम को स्कूल आना पड़ेगा, जिसके लिए मीनाम मान जाती है। स्कूल के बाद में मिंटन और जीरो मिलते हैं। जीरो मिंटन को एक कॉवर्ड बॉय बताता है, तो मिंटन जीरो को कहता है कि तुम हमेशा अपने चमचे दोस्तों के साथ घूमते हो, कभी अकेले में मिलो, वन ऑन वन आओ तो बताता हूँ। जीरो मिंटन का ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। मीनाम जो अपने घर जा रही थी वो ये सब देख लेती है। तभी वहाँ पे स्कूल के गार्ड की सीटी बजती है, तो ये सब लड़के भाग जाते हैं और जीरो भागते समय गेट पर खड़ी मीनाम को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो बहुत डर जाती है कि कहीं गार्ड उसको नहीं पकड़ ले। दोनों भागते भागते एक सुनसान जगह पे पहुँचते हैं। जीरो मीनाम को अपना बॉक्स उतारने को कहता है। मीनाम मना करती है तो जीरो जबरदस्ती करके उसके सर से बॉक्स हटा देता है। मीनाम को देख के जीरो को समझ नहीं आता कि ये लड़की बॉक्स पहन के क्यों घूमती है, ये इतनी तो खूबसूरत है। लेकिन मीनाम को ऐसा लगता है कि जीरो उसके फेस को इसलिए घूर रहा है कि वो अगली है। उसके बचपन की मेमोरी और ट्रोमा उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। मीनाम को फिर उसके फादर और यंगर ब्रदर हॉस्पिटल लेके आते हैं, तो मीनाम घबरा के पूछती है कि क्या लोगों ने मुझे देख लिया है। उसके फादर उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, तो डॉक्टर उसको मास्क पहनाती है। उसके बाद में मीनाम थोड़ी शांत होती है क्योंकि मास्क से उसका थोड़ा फेस कवर हो गया था। मीनाम कहती है कि वो वापस स्कूल जाना चाहती है और जीरो के साथ बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने जबरदस्ती करके उसका बॉक्स हटाया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। अगले दिन स्कूल में जीरो ये सोच रहा होता है कि मीनाम अपना इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद में भी फेस कवर क्यों करती है। तभी वहाँ पे मीनाम आती है और आते ही जीरो को एक कस के थप्पड़ मार देती है। जीरो के चमचे मीनाम को पकड़ लेते हैं। सरप्राइजिंगली जीरो मीनाम को अभी भी पूछता है कि तुमने मास्क क्यों लगा रखा है, मुझे समझ में नहीं आता, और वो मीनाम के साथ जबरदस्ती करके उसका मास्क हटाना चाहता है। तो मिल्टन आके मीनाम को वहाँ से सेव कर लेता है और जीरो को बहुत मारता है, लेकिन मीनाम दोनों की फाइट के बीच में आ जाती है और फाइट को रुकवा देती है। अब इस फाइट के बारे में बहुत सारे बच्चे फेसबुक कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं कि एक बॉक्स गर्ल के लिए किस तरह दो लड़कों ने फाइट किया। मीनाम दोनों पे चिल्लाती है कि तुमने मेरी लाइफ को और हेल बना दिया है और अब लोग मेरे बारे में और बातें करने लगे हैं। मिंटन कहता है कि मैं तो सिर्फ एज ए फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो जीरो कहता है कि एज ए फ्रेंड तुम मीनाम को लाइक करते हो। इस पर मिंटन कहता है कि तुम भी तो मनी मन मीनाम को चाहने लगे हो। जीरो मनी मन मीनाम को बहुत पसंद करता था, लेकिन मिल्टन के उकसाने की वजह से वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होके बोला कि इतनी बदसूरत अगली और गेस्टी लड़की के साथ कौन अफेयर चलाएगा, मैं तो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करता। अब अगली वर्ड सुन के मीनाम के दिमाग में फिर वो बचपन का ट्रॉमा याद आने लगता है और मीनाम वहाँ पे बेहोश हो जाती है, तो मिंटन उसको होल्ड करता है। उसके बाद में मिंटन मीनाम को वहाँ से ले जाता है। इस घटना के बाद में मीनाम वापस से अपने डिप्रेशन में जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर देती है और किसी से भी मिलने के लिए मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद में जीरो मीनाम के घर पे आता है और वो मीनाम से सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन उसके फादर और यंगर ब्रदर उसको मीनाम से मिलाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी वापस से डिप्रेशन में चली गई है। नेक्स्ट डे मिल्टन मीनाम से मिलने आता है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद में मीनाम मास्क लगा के मिल्टन से मिलती है। मिल्टन मीनाम के लिए एक नया बॉक्स लाया होता है और ये बॉक्स डक फेस होता है, जिसको देख के मीनाम हंस पड़ती है और अपने लिए भी डक फेस हेलमेट बनाया था, और ये दोनों अपने हेड गियर पहन के बातें करने लग जाते हैं। मिल्टन मीनाम को स्कूल चलने के लिए कन्विंस करता है और वो कहता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा, कल से तुम मेरे साथ स्कूल चलना। नेक्स्ट डे मीनाम को मिल्टन अपने साथ बाइक पे स्कूल ले जाता है। लंच के टाइम में मीनाम के पास दो लड़के आते हैं और कहते हैं कि उनको जीरो बहुत बुली करता है और हमने सुना है कि तुम और जीरो डेट कर रहे हो, इसलिए तुम जीरो को जाके बोलो कि वो हमें बुली नहीं करे और हमसे पैसे नहीं ले। लेकिन मीनाम मना कर देती है। एक दिन मीनाम क्लास में मिंटन के साथ स्टडी कर रही होती है, तो एक लड़की ओजोन आती है और वो कहती है कि मैंने भी ये र्यूमर सुना है कि तुम और जीरो डेट कर रहे हो, तुम जीरो को जाके क्यों नहीं
नहीं समझाती कि वो लोगों को बुली करना छोड़ दे। लेकिन म्यूनाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन म्यूनाम को ओजोन बताती है कि तुम्हारे भाई को जीरो और उसके चमचे मिलके मार रहे हैं। तो म्यूनाम भाग के जाती है और वो देखती है कि उसके ब्रदर को जीरो के चमचे मार रहे होते हैं। जीरो इनके बीच की फाइट रुकवाता है और वो कहता है कि म्यूनाम के भाई ने ही फाइट शुरू की थी। म्यूनाम जीरो पे चिल्लाती है कि तुम कैसे लड़के हो जो अपने से वीक लोगों को बुली करते हो, उन लोगों से अपना होमवर्क करवाते हो और पैसे भी वसूल करते हो। म्यूनाम जीरो से कहती है कि लोगों को बुली करना छोड़ दो, उनको परेशान करना छोड़ दो। तो जीरो कहता है कि अगर तुम अपना बॉक्स हमेशा के लिए उतार दो तो मैं हमेशा के लिए वॉयलेंस छोड़ दूंगा, मैं आगे से किसी को भी बुली नहीं करूंगा। अब म्यूनाम ने सोचा कि अगर वो बॉक्स उतार देगी तो सभी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं देख के वो अपना बॉक्स उतार देती है। और बॉक्स उतारने पर वहाँ पे सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, इसने इतने दिनों तक बॉक्स क्यों पहन रखा था। इसके बाद में म्यूनाम मिंटन से जाके गले मिल जाती है और रोने लगती है क्योंकि सब ने उसको देख लिया था। मिल्टन म्यूनाम को काम डाउन करने की कोशिश करता है। म्यूनाम जब घर पे जाती है तो उसका भाई उसको बताता है कि देखो स्कूल में किसी ने तुम्हारी फोटो पोस्ट कर दी है और कितने अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। लेकिन म्यूनाम को इन कमेंट्स पे भरोसा नहीं था और वो अपने आप को अभी भी अगली ही समझती है। म्यूनाम जब अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे खिड़की खुली है जिसमें से जीरो कूद के आ गया था। जीरो म्यूनाम से सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम अगली नहीं हो, तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। उसके बाद में जीरो वहाँ से चला जाता है। अब म्यूनाम के दिमाग में जीरो की बातें घूमती हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो खुद कन्विंस नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट करती है और देखती है कि क्या कमेंट्स आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में म्यूनाम के बारे में क्यूट, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे गए, जिसकी वजह से म्यूनाम को थोड़ा कन्विंस हुआ कि वो शायद खूबसूरत हैं। और वो कई सालों बाद में मिरर में देखती हैं तो उसको रियलाइज होता है कि वो सच में ही खूबसूरत हैं। वो पर्टिकुलरली अपनी आईज को बहुत पसंद करती हैं। अगले दिन म्यूनाम बॉक्स के बिना ही स्कूल जाती है। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उसको एडमायर करते हैं और उसकी ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं। म्यूनाम एक गहरी सांस लेती है और कॉन्फिडेंस से भरी अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए स्कूल में चली जाती हैं। अब म्यूनाम डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हैं। बचपन का वो ट्रॉमा अब इसके दिमाग से रिजॉल्व हो गया और वो नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ अगली डकलिंग डोंट के एपिसोड 1 और 2 एंड हो जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।